पे बजाएगा। अच्छा। गारंटी से 100 के 100%। अच्छा। कोई कहो जाओ उसके लोक दल के समाजवादी के किसी के साथ ला रुचि बिरा के साथ है। अच्छा। रुचि बिरा का सबसे एक नंबर काम लिया। सबक वोट नहीं देगा मुस्लिम। रुचि बिरा है हमारी विधानसभा से, हमारा पूरा गाँव और हम सब लोग उन्हीं के सपोर्टर हैं, रोडर भी उन्हीं के हैं। अच्छा। ने हमारे रोड बनवाए, इधर ला भी, इधर ला भी, इधर ला भी। इस साल में मैडम ने बहुत कार्यकाल करा था। अच्छा। रुचि बिरा ने, अच्छा। रुचि बिरा ने बनवाई, उसके बाद में कोई काम नहीं करा किसी सरकार ने भी। इधर भी मैडम जाएगी हमारी रुचि बिरा, हम उसके साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी, यूपी की महात्मा विदुर की धरती पर मौजूद हूं, यानी कि बिजनौर में। बिजनौर में जैसे ही चुनावी मौसम जो है गर्म होने लगा है, वैसे ही बिजनौर की सियासत में भी एक उबाल देखने को मिल रहा है। साल 2007 में यहां 7 विधानसभा सीटें थी और 7 की 7 जो थी बसपा के पाले में थी, लेकिन साल 2017 में 8 विधानसभा सीटें हुई, 5 भाजपा के पाले में गई और बाकी की 3 जो थी वो सपा में। जिस तरीके से एक वक्त पर जो ये बिजनौर है वो वीआईपी जिला माना जाता था मायावती का, वो देखते हैं कि अब लोगों के बीच में कैसा है। वहीं सियासी समीकरणों की अगर बात की जाए तो 90 के दशक में शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन के बाद से ये कहा गया कि बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर जो कब्जा रहा है वो भाजपा का ज़्यादा रहा है, लेकिन बीच बीच में जो है बसपा का भी रुख देखने को मिला है। इस वक्त मैं बिजनौर सदर विधानसभा सीट के उलकपुर गाँव में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ की आम जनता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुस्लिम बाहुल्य ये क्षेत्र है, लोगों के बीच में कैसा चुनावी माहौल है, किस तरीके से लोग जो है आने वाले चुनाव को देख रहे हैं और किस पार्टी की तरफ वो रुख करने जा रहे हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद रफीक। सर कैसा है चुनावी माहौल? बस अभी तो मतलब ऐसे चल रहा है जी, यहाँ पर ठंडा पड़ा हुआ है। ठंडा अभी तो यहाँ, अभी तो कोई हमारे बीच में कोई नेता है ही नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा। ना कोई बात करना है अभी कोई हमसे यहाँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, हमारे एक आध नेता है जैसे रुचि बिरा आई यहाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। बस रुचि बिरा आई, उसके बाद में कोई यहाँ आया ही नहीं अभी तक। अच्छा। हाँ। तो मैडम रुचि बिरा तो शायद बसपा की प्रत्याशी है। हाँ जी। तो उनका उनका जोर है क्या? हाँ जोर है, जोर क्यों नहीं हो गया, वो पहले भी जीतती है यहाँ से, हम लोगों ने सपोर्ट दी उसे पूरी। अच्छा। हाँ। अच्छा। बाबा फुल सपोर्ट मिली उसे यहाँ से, आई हुआ हमारे बीच में। अच्छा। जब उनकी सरकार नहीं रही तो काम नहीं हुआ, देख लो आप, ये देखो कचरा कैसे पड़ा है, देख लो आप। अच्छा। है कोई वही नहीं, मतलब सुनवाई नहीं है, किसे कहे, किससे जाके गए बताइए आप। अच्छा बाबा आपसे जानना चाहूँगी, इन्होंने कहा कि मैडम रुचि बिरा गांव में आती है और अभी प्रत्याशी किसी का सुना नहीं, ये पूछना चाहूँगी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ये है, मुस्लिम बाहुल्य गांव ये है, मुस्लिम को अक्सर ये कहा जाता है कि सपा का वोट बैंक है, तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं? ना ना, सपा का जो है अब की बार सपा को वोट नहीं देगा मुस्लिम। और बहन कुंवारी मायावती से जुड़े हैं और हमारी जो रुचि बिरा है हमारी विधानसभा से, हमारा पूरा गांव और हम सब लोग उन्हीं के सपोर्टर हैं, रोटर भी उन्हीं के हैं। अच्छा। जी। अच्छा, तो यानी कि इस बार जो सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है उसका जोर कहीं नहीं? ना ना, यहाँ पे नहीं है। अच्छा। जी। देखने वाली बात है कि मुसलमान को अक्सर कहा जाता है कि वो सपा का वोट बैंक है, लेकिन इस गांव में निकल कर ये जब हमने लोगों से बात की तो ये जान रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है, जो ये एक बड़ी सी फिलॉसफी गढ़ी जाती है, बड़ी थ्योरी गढ़ी जाती है मुस्लिम के लिए वोट बैंक को लेकर सपा के लिए, वो यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। कैसा है चुनावी माहौल बाबा? माहौल तो सही है जी, बस सब देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा। लोगों के बारे में। अच्छा। अब कैसे कैसे गोदान रखते हैं लोग, कैसे कैसे किंगे किंगे चलते हैं। अच्छा। किसके पक्ष में दिख रहा है? अभी तो कोई फिक्स नहीं करा। अच्छा। अच्छा, जैसे पिछले 3 विधायकों की अगर बात कर ली जाए, राजा भारतेंद्र 2012, फिर उपचुनाव में मैडम रुचि बिरा, फिर उसके बाद सूची चौधरी, किसका कार्यकाल बेहतर रहा? अभी तो कोई खास नहीं बता सकते ना, कद विधायक होया क्या होया। सर आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी, पिछले 3 विधायक रहे, राजा भारतेंद्र, उसके बाद रुचि बिरा जी, फिर उसके बाद सूची चौधरी जी, तो किसका कार्यकाल बेहतर रहा? कार्यकाल 2.5 साल में मैडम ने बहुत कार्यकाल करा था। अच्छा। रुचि बिरा ना। अच्छा। वो 2.5 साल रही। हाँ। 2.5 साल में उन्होंने जहाँ तक हुआ बहुत कार्यकाल करा उन्होंने। अच्छा। और ज्यादातर मैडम के साथ ही है अभी, और कलाम बीएसपी के साथ है। अच्छा। हाँ, कोई कहो जाओ उसके लोक दल के समाजवादी के किसी के साथ ला। अच्छा, आपसे कही है आपसे। हाँ जी।
जोर जो है बीएसपी का है। अच्छा, आपको रोककर ये पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जोर जो है बीएसपी का है, रुचि वीरा जी जब जीती तब सपा में थी, अब बसपा में है, तो क्या इस बात से आपको कोई फर्क नहीं? नहीं नहीं, हमें कोई फर्क नहीं। अच्छा, तो आदमी चाहिए हमारे एरिया को, अच्छा काम करा, आदमी के साथ कल भी दे। अच्छा, यानी कि कैंडिडेट को देख कर कैंडिडेट को कैंडिडेट को अभी हमारी सूची रही, हमें पता ही नहीं कद विधायक रही कद चली गई। अच्छा, जो अभी 2017 की है। हाँ। अच्छा, हमें मालूम ही नहीं हुआ, आपके गांव में नहीं आई, आज तक भी नहीं था। अच्छा, अब पहले भी आए हुए थे, वे क्या नाम हुए क्या था भाई बाहर दे, उनका भी मालूम नहीं हुआ हमें तो। अच्छा, उनका भी पता नहीं चला ना, आज तक भी ना, हमारे सुवाइलियों भी ना पता। अच्छा, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्यकाल जिनके रहे उनका पता नहीं चला, सुवाड़ी भी जाए तो सुवाड़ी तक भी नहीं है। अच्छा, हाँ गरीब गिच्छी जितने गाँव में भी आए, कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ कोई देखभाल ही करी नहीं हमारी एरिया की तो। अच्छा, 2.5 साल के कार्यकाल में रुचि वीरा ने ऐसे क्या काम किए जो आपको बेहद पसंद आया? हाँ, हमारी खड़ी मिली हमें। अच्छा, सबसे काम करे हमारे भी डर कराए सभी सब गांव में जितने जितने सड़क मिले जो भी हमारे योजना के तहत मैडम रुचि वीरा ने हमारे रोड बनवाए, इधर लभी इधर लभी इधर लभी, और गांव में पूरा जो काम रुचि का ही है, यहाँ और किसी का कोई यहाँ और जो विधायक बना कुछ नहीं है, वो भी रुचि का काम है, वो पुल बनवाना गंगा का बाला वाली हमारे सब क्षेत्र का राम है, वो निकल कर तो सीधे चले जाओ सहारनपुर हरियाणा पंजाब सीधे चले जाओ, निकल कर जब रोड चालू हो जाएगा तो वो भी रुचि काम नहीं करा किसी ने भी ना कोई करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन जैसा काम नहीं किया, कल ही जो है नितिन गडकरी चांदपुर में पधारे, जनविश्वास यात्रा जो है शुरू हुई और उसमें उन्होंने कहा कि यूपी की सड़कें जो हैं अब गड्ढा मुक्त हैं, पहले 2017 से पहले पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, अब कह रहे हैं कि सड़कें जो हैं गड्ढा मुक्त हो गई, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ है गड्ढा मुक्त? बैराज से चलो, बैराज से चलो मेरठ तक, गड्ढे ही गड्ढे बजा रहे हैं। अच्छा, जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ हो गए गड्ढे मुक्त? गड्ढा मुक्त नहीं हुआ अभी। अच्छा, गड्ढे मुक्त नहीं हुए? मैडम को जाके देख लो, आप जाके देख लो, मैं अभी दिल्ली से आया और गड्ढे देखना उसमें कितने गड्ढे, गाड़ी कूदरी एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने दिल्ली का जिक्र कर दिया, पूछना चाहूंगी दिल्ली के लिए, उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेके अब यूपी का जो सफर है वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो है सड़के, जब जीतते उतने तो मर लेंगे जब तक होगा। अच्छा, मतलब अभी हुआ नहीं? अभी कहाँ हुआ, बस हुआ गाजियाबाद लाल कुआ से और मेरठ तक हुआ बस। अच्छा। हाँ उतना हुआ, उससे आगे कुछ नहीं हुआ, उससे आगे कुछ नहीं, नहीं उससे आगे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ तो फिर आपका वोट किधर रहेगा? बस वोट तो दे ही देंगे हम, रुचि वीरा जी आ रही है हमारे बीच में, जो हमारे बीच में आएगा रुचि वीरा के साथ है। अच्छा, अच्छा, आप कह रहे हैं कि रुचि वीरा जी आ रही है जो आपकी विधायक है वर्तमान समय की, वे जो विधायक है जो फिलहाल है विधायक है ना, वे नहीं आ रहे, वे लोग नहीं आ रहे, जो बीजेपी के विधायक है वे नहीं आ रहे यहाँ फिलहाल। विधायक का मैडम देख लो क्या हो रहा है, कैमरा मैन नबील गौर से कहना चाहूंगी कि वो कैमरे को घुमाए और दिखाए कि जिस स्मार्ट प्रदेश की बात बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स पे की आती है वो कितना स्मार्ट हो चुका है। नालियां क्या कहें, सड़क के दोनों तरफ सीमेंटेड सड़क है और सीमेंटेड सड़क के दोनों तरफ नालियां हैं, ऐसे ही कचरा बिखरा पड़ा है। ये खुद साफ करवा रहे हैं हम, अपने हाथों से साफ कर रहे हैं नालियां। अच्छा, ये आपको खुद करवानी पड़ेगी? खुद ही कर रहे हैं हम, और कौन करेगा, कौन करेगा? और यहाँ अच्छा, ये सड़कें किसकी बनवाई हुई थी? ये रुचि वीरा ने बनवाई। अच्छा। हाँ। अच्छा, उसके बाद में कोई काम नहीं करा किसी सरकार ने भी, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, जैसे बिजनौर के लिए कहा जाता है कि बिजनौर में गन्ना किसान बहुत है, गन्ना किसान की तादाद भी बहुत है, तो क्या लगता है वो किसान इस बार किस तरफ होगा? यहाँ भी हम आते हुए देख रहे थे कि गन्ने की खेती अच्छी खासी, देखो ये गन्ने की खेती अच्छी खासी है, ये रुका हुआ है इतना, और क्या नाम उस पर बॉर्डर पर बैठे हुए थे किसान, जब उनकी अभी तक नहीं सुनाई हुई, कोई काम नहीं हुआ तो आगे क्या उम्मीद करी जाएगी? कानून वापस तो हो गए? कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है और अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो कानून वापसी वो सिर्फ दिखावा है? वो दिखावा है, सब कुछ दिखावा है, वरना कुछ नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, जैसे बाबा कह रहे कि दिखावा है, क्या लगता है असर पड़ेगा? दिखावा तो है ही, असर बहुत होगा चुनाव पर, असर पड़ेगा बहुत, बीजेपी पर असर पड़ेगा जो। अच्छा,
आने वाले में टाइम में, ये तो जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, तो खालिस्तानी आता हूँ, वो खालिस्तानी बता रहे थे हम तो किसानों को, हम भी किसान ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं छोटे ही हैं, एक दो बीघे के किसान हैं हम। अच्छा। किसान सब थे, हम भी वहीं थे बॉर्डर। अच्छा, आपने कहा कि आप एक दो बीघे के किसान हैं, वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ये जो बड़े बड़े बैठे हैं जमींदार हैं या फिर वो लोग हैं भाई जिनके अच्छी खासी खेती है। किसान तो छोटा किसान खुश है खेत, ताजा एक बीघा का हो, हजार बीघे का हो, बीघे का हो या दो बीघे का हो, किसान 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 है, किसान किसान है, तो हमारी वो साथ है, सब हम सब किसान तो साथ है। अच्छा। इसमें किसानों का यो नहीं है, अरे हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई सब साथ है, किसान भी जाते हैं हमारी। इस सरकार में ऐसा बना दिया, मुसलमान को आलू बना दिया। अच्छा, अच्छा आलू इस प्रकार का बना दिया, दूसरे बना दिया इसे पारक की पथरी है जी। भाजपा वाला किसी मुसलमान को छेड़ेगा तो वो मंत्री बहुत बड़ा मंत्री बन जाएगा। अच्छा आलू इस वजह से बना दिया कि इसका रिला कर दिया, चार तो रुपये बखेर दो। अच्छा अच्छा बाबा जी, आप पर आना चाहूँगी, ये बताइए कि आपके जो अगर इस सीट की ही बात कर ली जाए तो कैसा लगता है कि विकास कैसा हो जाना चाहिए था? जैसे रुचि वीरा जी का कार्यकाल 2.5 साल का रहा, उन्होंने तेजी से काम किया होगा तो जनता को उम्मीद जगी होगी, तो फिर क्या लगता है कि उनके बाद जो विधायक आई उन्होंने कैसा काम किया? यहाँ तो उनकी शकल भी नहीं देखी, पूछो इन लोगों से, सबसे पूछो अगर ये उसके बारे में जानते भी हो, छोटा बड़ा क्या है जाने, कुछ नहीं भी किसी, यहाँ तो उसे जानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है कौन है। जानना चाहूंगे आपका नाम? वाजिद। अच्छा कैसा काम रहा जो अभी के विधायक, उनका कैसा काम? कुछ भी ना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार सबसे। और जो अगर इससे पहले वाली सी, जो उनका कैसा काम रहा? का सबसे एक नंबर काम रहा। अच्छा अच्छा, तो फिर मुस्लिम समाज किस तरफ, मुस्लिम समाज का किस तरफ झुकाव रहे? रुचि वीरा की अपने एरिया में, सब में, जिला बिजनौर में। अच्छा, आप बताएं जी, तो सपा से इस बार मोह भंग है? मोह भंग है इस समय। अच्छा, इस बार आपके जो क्या नाम मैडम हमारी जिस पार्टी में भी जाएगी, हम उस चीज से गरज नहीं है, इधर अच्छा। भी मैडम जाएगी हमारी रुचि वीरा, हम उसके साथ है। अच्छा जी, अच्छा, तो पूरी तरह से मुस्लिम समाज जो है बसपा की तरफ? बसपा की तरफ। अच्छा जी हाँ, आप मैडम रुचि वीरा की तरफ है हम? अच्छा जी, हम किसी को कुछ नहीं जानते, हम रुचि वीरा हमारा पूरा गांव, उसे वोट देंगे हम। हम किसी का कोई वो नहीं कर रहे, जो हमारे बीच में आके काम करेगा हम उसका सपोर्टर है। अच्छा, चाहे कोई भी हो, हालांकि हम जो है फिलहाल रुचि वीरा के सपोर्टर है, क्योंकि उनने RCC की रोड बनवा रखी, देख लो आप जी, जी। रोड बनवा रखा उसने, तो इसलिए हम उसके सपोर्टर हैं फिलहाल, क्योंकि उस बीच में कोई आया नहीं है, ना किसी को जानते हम ना पहचानते, हमें ये भी नहीं पता यहाँ का विधायक कौन है, बस सही बात है, बस जो बीच में आके काम करेगा यहाँ उसके हम वोट देंगे, रुचि भी रहा हमारे। बाबा क्या ये मान लिया जाए कि मुस्लिम समाज जो है पूरी तरीके से बिजनौर का, जो बिजनौर सदर विधानसभा सीट का जो मुस्लिम समाज वोट है वो उधर जाएगा बसपा? उधर बसपा पर जाएगा। अच्छा, गारंटी से 100% के 100%। अच्छा जी, अच्छा पूरे दावे के, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं जी हम। तो ये थे उलगपुर की आम जनता की आवाज, जिनका कहना है कि जो सपा और RLD के गठबंधन को लेकर बड़ी बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है, दावे ठोके जा रहे हैं कि जो है इस बार अखिलेश भैया की सरकार आने वाली है, ऐसा इस सीट पर जो है लग नहीं रहा है। और जैसे लोगों ने बताया कि वो कैंडिडेट के काम को देखकर वोट देंगे, जो उनकी मैडम रुचि वीरा 2.5 साल का कार्यकाल उनका रहा, उन्होंने बेहतर काम किया, लोगों के विकास के लिए काम किया, तो उनका कहना है कि वो चाहे किसी भी पार्टी में जाए, जो उनके लिए काम करेगा वो उन्हीं के पीछे रहेंगे।